वीडियो चैट में अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग लड़की को बदनाम करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशे से मिस्त्री अमनदीप ने युवती को अपने जाल में फंसाने के लिए अपने आप को BCA का स्टूडेंट बताया और उसने अपने जाल में फंसाकर उससे दुष्कर्म करता रहा। जब उस युवती से दिल भर गया तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे बदनाम करने लग गया। यहाँ तक कि उसे बदनाम करने के लिए उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जब इस बात का खुलासा हुआ तो युवती के परिजनों ने इस घटना की शिकायत पुलिस को की और पुलिस ने नलौगी के रहने वाले इस युवक अमनदीप को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर 13 अगस्त तक उसे जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि अमनदीप नामक युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से नाबालिग युवती को झूठी बातों में फंसाकर उसे दुष्कर्म किया और फिर वीडियो चैट में युवती की अश्लील तस्वीरें खींचकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया ताकि युवती को बदनाम किया जा सके। उन्होंने बताया कि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने नाबालिग युवतियों को आगाह करते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर जाल बिछाकर युवक नाबालिग युवतियों को अपने झांसे में लेकर उनसे दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, इसलिए कोई भी युवती उनके झांसे में ना आए। सदर पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने एक शिकायत दी थी कि एक लड़का जिसका नाम अनुपम है उसने उसके साथ उसको बरगलाकर शारीरिक संबंध बनाए और उसकी वीडियो कॉल के दौरान उसकी जो अश्लील चित्र हैं वो खींचे और उनको खींचने के बाद लोगों को अपलोड कर दिए, फेसबुक पे भी अपलोड किए हैं, जिसके बेसिस पे सोलन पुलिस ने 217/18 एक केस दर्ज किया सेक्शन 376 IPC और सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट में। अन्वेषण के दौरान दोषी अमनदीप उर्फ खेमचंद सन ऑफ पालराम विलेज नलहोगी पोस्ट ऑफिस देवठी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इस दोषी ने उक्त लड़के को अपना नाम अनुपम बताया जो कि इसका सही नाम नहीं था और इस तरह इसने इसके साथ इसके भविष्य के साथ और खिलवाड़ किया। मैं युवा पीढ़ी खास करके हमारी युवा लड़कियों से ये अनुरोध करूँगा कि वो ऐसे लोगों के झांसे में ना आएं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करें और किसी से भी इसी तरह के संबंध ना बनाएं, क्योंकि इस समाज में इस तरह के विकृत मानसिकता के व्यक्ति बहुत घूम रहे हैं और हमें उनके प्रति सचेत रहना। सोलन से अमनप्रीत पुंज की रिपोर्ट।